नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका मेरा गांव मेरा देश में। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित बताकर सरकार की उपलब्धियों में जीरो टॉलरेंस की नीति को सर्वोपरि मानकर देश में विकास के दावे किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल का पहला साल जब शुरू किया था तभी उन्होंने प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का वादा किया था, जिसको लेकर संत कबीर नगर जिले में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए निरंतर कार्य भी किए जा रहे हैं। लेकिन योगी सरकार के कार्यकाल के 5 साल पूरे होने के बाद दूसरे कार्यकाल में तकरीबन 15 महीने बीत जाने के बाद भी जिले की सड़कें जस की तस पड़ी हुई हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं और ये याद दिलाती है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के 6.25 साल पूरे होने के बाद भी सड़कों के हाल सुधरने के बजाय बद से बदतर होती जा रही हैं। और सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर पीडब्ल्यूडी विभाग और ठेकेदार पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। 2 दिन पहले मीडिया से बातचीत करते हुए सदर विधायक अंकुर तिवारी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के 68 सड़कों के नवीनीकरण की बात की थी और उस पर आवागमन को सुचारू रूप से चलने का दावा भी किया था। आइए पहले हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिर यहाँ पर किस तरह के हालात हैं। तो आपने सदर विधायक की बातों को हम सुनाएंगे, उसके बाद जिले के 68 सड़कें नवीनीकरण के लिए शासन स्तर से स्वीकृत कराई थी, उस पर निर्माण कार्य मानक विहीन और घटिया मटेरियल से कराया जा रहा है। निर्माण ऐसा हो रहा है कि सड़क को झाड़ू से साफ किया जाए तो उसका रॉ मटेरियल सड़क के दूसरी तरफ आकर जमा हो सकता है। आपको बता दें कि यहाँ पर चुरेब स्थित ककरबहा चौराहे से अवामा मार्ग निर्माण कार्य 1 किलोमीटर और सड़क नवीनीकरण के लिए टेंडर किया गया था, उसको बना दिया गया, लेकिन वहां के ग्रामीणों का आरोप है कि सिर्फ सड़क पर काम खाना पूर्ति कराकर छोड़ दिया गया है। अगर सड़क से जानवर गुजरते हैं तो जानवरों के पैरों के नीचे सड़क उखड़ कर चल जाती है। अगर झाड़ू लगाकर सड़क पर से कचरा साफ किया जाए तो साथ में सड़क भी उखड़ कर साफ हो जाती है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आप बता दें केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के बाद पूरे देश में सरकार के 9 साल जो सफलतम रहे हैं ऐसा सरकार का मानना है, उसकी सराहना की जा रही है। उनके विधायक अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के सामने रख रहे हैं, वाहवाही लूट रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि सरकार भले ही जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करे लेकिन धन विभागों के जाने के बाद इस तरह कमीशन का गंदा खेल चालू हो जाता है कि योगी सरकार जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उस पर भी अधिकारी पलीता लगाते हुए दिखाई देते हैं और बाज नहीं आते। कमीशनखोरी के लालच में सड़कों का निर्माण पूरी तरह से घटिया मटेरियल से कराकर भुगतान कर लिया जाता है और जनता के बीच वही टूटी फूटी सड़कें नजर आती हैं। आइए सुनते हैं यहाँ पर क्या कुछ कहना है स्थानीय लोगों का और क्या कुछ कहना है यहाँ के विधायक का। जैसे नगर पालिका को ले लीजिए तो समा माता मंदिर एक बहुत प्रमुख स्थान था, आस्था का केंद्र था, इस जनपद का केंद्र बिंदु है। समा माता मंदिर के पोखरे का निर्माण मैंने शुरू कराया। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या हमारे खलीलाबाद नगर की जो थी वो जल जमाव की थी। जल जमाव को लेकर के जैसे ही मैं विधायक बना वैसे तुरंत यहाँ पे एक जल जमाव का नाला बनाया कि जिस नाले से जो पानी हमारे नगर में गोला बाजार में इकट्ठा होता था वो पानी सीधे पुलिस लाइन की तरफ चला जाए। आप सब जाना भैया, हम कहा जानी बन गई करिया देखत हुए चले बस कहा जानी लेकिन अब उखड़े लगे। हाँ तब उतना कीमत कही उखड़ी जाए कौन कहा है बिशुनपुर। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं खलीलाबाद की जहां पर हालात बद से बदतर है सड़कों के। तस्वीरें आप देखिए झाड़ूओं से सड़क जो है वो उखड़ रही है। अभी इसका सुंदरीकरण हुआ था, अभी इसका नवीनीकरण हुआ था, उसके बाद हालात ऐसे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जब योगी सरकार सत्ता में आई थी तभी से ही ये फरमान जारी हो गया था कि प्रदेश की हर एक सड़क को दुरुस्त कर दिया जाएगा, सुंदर कर दिया जाएगा, चौड़ीकरण होगा उनका। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ठेकेदार पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग की भी कहीं ना कहीं कमी है। ये देखिए घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, लोग पैरों से और झाड़ू से सड़क को साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। घटिया सामग्री लगाने का यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है। आपने सदर विधायक को भी सुना है, उनका साफ तौर पर कहना है कि करीब 68 सड़कें ऐसी हैं जिनका नवीनीकरण का काम होना था और शासन स्तर से स्वीकृति भी कराई गई थी, उस पर निर्माण कार्य किया गया लेकिन मानक विहीन हुआ है और गटरा मटेरियल से यहां पर
इसका इस्तेमाल किया गया है। सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन सड़क को झाड़ू से साफ किया जा सकता है, पैरों से उसे जो मटेरियल है उसे हटा दिया जा सकता है। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो रॉ मटेरियल है इकट्ठा होता नजर आ रहा है, यानी कि सड़क पूरी तरीके से खराब हो चुकी है जो अभी हाल फिलहाल में बनी है। चुरेब स्थित ककरवाहा चौराहे में अवामा मार्ग निर्माण कार्य 1 किलोमीटर सड़क नवीनीकरण के लिए टेंडर किया गया था, जिसकी तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और मेरे सहयोगी सदर आलम मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। सदर आलम, अगर इन सड़कों की हम बात करें तो सड़क तो ये ऐसा लग रहा है कि सालों पहले बनी थी, कहीं से भी ये नजर नहीं आ रहा है कि सड़क का निर्माण अभी हुआ है कुछ दिन पहले। जी, सड़क की जो स्थिति है वो अपने आप में हाले बयां लोगों के सामने रख रही है, क्योंकि सड़कें जो है पूरी तरह से गड्ढे में तब्दील है और उसे किसी भी तरह से जो बनाया गया वहां से, ग्रामीणों ने बड़ी मुद्दत के बाद उस सड़क का सपना देखा था कि हम इस पर चलेंगे और बेहतर तरीके से आवागमन होगा, लेकिन आवागमन जो है पूरी तरह से इस पर बाधित है। और सड़कें बनाई भी गई तो पूरी तरह से इसके जो रॉ मटेरियल लगाए गए हैं वो एकदम बिल्कुल घटिया सामग्री इस्तेमाल किया गया और उस पर लोग चलने में असहाय महसूस कर रहे हैं। जी, कितनी लंबी है सड़क, है कितने किलोमीटर की सड़क है जिसका निर्माण अभी हुआ है और कितने दिन पहले हुआ है इसका निर्माण? अभी लोग ग्रामीणों ने बताया है कि ये तकरीबन 15 दिन पहले ये सड़क बनाई गई है, लेकिन 15 दिन सड़क बनने के बाद जो है इसके जितने रॉ मटेरियल है वो धीरे धीरे करके सड़क को छोड़ रहा है, उसमें गड्ढे बनते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी संत कबीर नगर में बरसात अभी नहीं पहुंची है, लेकिन अगर पहली बरसात हुई तो ये सड़कें जो है पूरी तरह से उखड़ जाएंगी और लगेगा कि कभी इस पर कोई काम हुआ ही नहीं है। तकरीबन 21 लाख रुपए से ये सड़क स्वीकृत हुई है बनाने के लिए, लेकिन जहां देखा जा रहा है कि इसमें कमीशन का इतना गंदा खेल खेला गया है कि सड़कें जो है अपना अस्तित्व तो खोती हुई नजर आ रही है नवीनीकरण की। बिल्कुल आलम, ये कहा जा सकता है कि जिन सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की कोशिश की जा रही थी उस पर काम भी किया गया, पैसा भी लगाया गया, लेकिन वो सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई है बल्कि गड्ढा युक्त और हो रही है, ये कहा जा सकता है। जी, ग्रामीणों का तो ये जो सड़कें बनाई गई है ठेकेदार आता है और अपना पूरा इंस्ट्रूमेंट लेकर काम करने के लिए आता है, लोगों को गुमराह करता है, सड़कें बनाता है, आधा छोड़ता है, उसके बाद चला जाता है, सड़कें लीप पोत कर बेहतर दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उन सड़कों से जानवर गुजरते हैं या कोई जिनके घर के सामने है उस पर झाड़ू लगाते हैं तो सड़कें जो हैं वो उखड़ती हुई, उसके रॉ मटेरियल जो आइट साइड लग जाते हैं, और वो सबसे खतरनाक ये हो जाती है कि जब उस सड़क से कोई बाइक सवार गुजरता है तो उसी छर्रियों से फिसल कर गिरता और उसे अस्पताल तक भी जाना पड़ता है। लेकिन अधिकारियों से जब इस सब की मसले पर बात की जाए वो लोग सीधा बस एक सिंपल सा सवाल देखते हैं इस पर क्या होता है, अगर कुछ गड़बड़ किया होगा तो इसको देखा जाएगा, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। बिल्कुल, यानी ये कहा जा सकता है कि पैसा लगाया गया है लेकिन उसके बावजूद भी उसका फायदा लोगों को नहीं मिल रहा है। प्रदीप सिंह सिसोदिया हमारे साथ जुड़े हैं, समाज सेवी हैं। प्रदीप जी, अगर यहाँ बात की जाए खलीलाबाद की तो सड़कों का सौंदर्यकरण हो रहा है, नवीनीकरण हो रहा है, लेकिन सिर्फ पैसा वेस्ट नजर आ रहा है। देखिए, जो कार्य हो रहा है कार्य बरसात की वजह से और प्रॉपर मेंटेनेंस न होने की वजह से जिन सड़कों की स्थिति जर्जर हो गई है उनको पैचिंग से नहीं सुधारा जा सकता, उनको ठीक तरीके से बनाना पड़ेगा। और रही बात अभी पैचिंग की और सुधार की, तो केवल एक बात एक केवल एक काम कोरम पूरा करने का काम हो रहा है, इससे सुधार नहीं होगा, फिर बरसात होगी, फिर सारे रोड टूट के फिर पुरानी तरह जर्जर हो जाएंगे। प्रदीप जी, तो आपके हिसाब से कमियां कहाँ हैं, क्योंकि सरकार तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपना चुकी है कि सारे जो सड़कें हैं जो जिनमें गड्ढे हैं उनका पैचवर्क होना चाहिए, जो सड़क पूरी तरह से खराब हो चुकी है उसका नवीनीकरण होना चाहिए, सुंदरीकरण होना चाहिए। देखिए, कहीं कहीं प्लानिंग में कमियां होती हैं, अधिकारी अगर प्लानिंग ठीक से करते हैं और उस पर धन का आवंटन सही दिशा में और उसका कार्य सुचारू रूप से सिस्टम से अगर हो तो चीजें हो सकती हैं, कहीं कहीं प्लानिंग की कमी है और कार्य करने की जो एजेंसियां हैं उनकी कमियों की वजह से दिक्कतें खड़ी होती हैं। तो आपने कोई शिकायत दी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अभी तो सबसे जरूरी है जिन सड़कों पे बिल्कुल चलने लायक नहीं है, गड्ढा युक्त बहुत सारी सड़कें हैं, उनको बरसात से पहले अगर ठीक नहीं कराया जाएगा तो बहुत सारी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, उनमें जनहानि भी हो सकती है, और आए दिन बच्चे हो गए, विकलांग हो गए, बेटियां पढ़ने वाली जाती हैं
देहात से शहरों तक उनके लिए बड़ी दुश्वारी हो रही है। सबसे पहले तो उनको सुगम चलने के लायक सुगम रास्ता बनाया जाए, बरसात अब तो आ ही गया, अब तो टाइम ही नहीं है, अब जल्दी किया जाए नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। विद्यार्थी बेटियों और विकलांग और बहुत सारे ऐसे मरीज और पेशेंट है जो शहर तक जाना चाहते हैं और खराब सड़कों की वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है। प्रदीप जी, ये जो सड़क है वो बहुत सारे गांवों को जोड़ती है, अब ऐसे में सड़क का निर्माण नहीं होगा क्योंकि बहुत समय से ये कहीं ना कहीं सपने देखे थे ग्रामीणों कि उनके घर के सामने से भी सड़क जाएगी और उनको सहूलियत होगी, उबड़ खाबड़ रास्तों से नहीं जाना पड़ेगा। अब सड़क का निर्माण तो हुआ लेकिन उसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर दिया गया है, क्या फायदा होगा ग्रामीणों को इससे? देखिए, सरकार की जो नीति है कि गांवों को शहरों से मुख्य धारा से जोड़ा जाए और मुख्य मार्गों से जोड़ा जाए, सरकार उस पर काम कर रही है। रही बात सामग्री के होना या खराब सड़कों का बनना या मानक के हिसाब से न बनना, तो वर्किंग एजेंसियों की लापरवाही होती है जिसकी वजह से दिक्कतें खड़ी होती हैं। ये दायित्व वर्किंग एजेंसियों की है और खलीलाबाद की जो स्थिति है, खलीलाबाद सदर विधानसभा में विधायक खलीलाबाद ने काफी मेहनत किया है, उनकी वजह से काफी सड़कें भी सुधरी है। मुख्य मार्ग खलीलाबाद से डंगटा तक की सड़कें सुधरी है और भी कई योजनाएं ले आए हैं जिससे काफी राहत हुई है, लेकिन अभी पूरा नहीं है, उनका भी प्रयास चल रहा है। सरकार जो एजेंसी है इनको भी प्रयास करके उसको ठीक कराना चाहिए। तो आप लोगों ने पीडब्ल्यूडी विभाग से कोई शिकायत की हो? शिकायत तो करना हमें लगता है भैंस के आगे बीन बजाए भैंस बैठ पाए, एक जाति कहावत है, एक मुहावरा है, कोई असर नहीं होता जब तक जनप्रतिनिधि उससे। लेकिन ऐसा क्यों है प्रदीप जी, ऐसा क्यों है? क्या संत कबीर नगर में अगर खलीलाबाद की हम बात करें तो यहाँ पर क्या जनप्रतिनिधि और जो अधिकारी है वो शिकायत नहीं सुनते हैं? नहीं, विधायक गण है, सब मजबूती से लोग काम कर रहे हैं, शिकायत भी सुनते हैं और ये लोग अपने स्तर से काफी प्रयास भी कर रहे हैं। खैलाबाद में काफी सुधार हुआ, मैदान में भी सुधार हुआ, दंगटा में भी सुधार हुआ है, लेकिन जिस अनुपात में सड़कें टूटी थी उस अनुपात में एक दिन में संभव नहीं है, समय लगेगा, समय के साथ साथ उनमें भी सुधार हो जाएगा। अगर वर्किंग एजेंसियां और कार्यदायी संस्थाएं जो भी है, चाहे पीडब्ल्यूडी हो गई, आरईएस हो गई, जो भी कार्यदायी संस्थाएं हैं, अगर सही दिशा में सही तरीके से जिला पंचायत हो गई, अगर ये लोग अपने मानक के हिसाब से अपने काम कराएं, जो पैसा खर्च हो रहा है सही से उसकी प्लानिंग हो, सही से उस पर इनका नियंत्रण और इनका निरीक्षण हो, तो निश्चित रूप से काम अच्छे होंगे, मानक के हिसाब से होंगे और वो टिकाऊ भी होंगे। ठीक है प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका अपनी समस्या हमें बताने के लिए और आसपास खलीलाबाद में क्या कुछ निर्माण कार्य हो रहे हैं वो भी जानकारी हमें देने के लिए। आलम, अगर देखा जाए तो जैसे कि समाज से भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, वो तो काफी मेहनत कर रहे हैं, वो शिकायतें भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो कार्यदायी संस्था है, जो अधिकारी है, उनको भी सही तरीके से आगे आना होगा, एक्शन लेना होगा, तभी इन समस्या का समाधान निकल सकता है। तो यहाँ जो अधिकारी है क्या निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, क्या जायजा लिया कि कौन सी सड़क का निर्माण हुआ है, कैसे हुआ है, क्या सामग्री लगाई गई है? आलम, मेरी आवाज आ रही है आपको? शायद मेरी आवाज मेरे सहयोगी तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, सड़क नवीनीकरण में भ्रष्टाचार का आरोप लगातार लग रहा है, घटिया सामग्री का इस्तेमाल इसमें किया गया है, ऐसे आरोप लग रहे हैं कि जो कार्यदायी संस्था है वो इस ओर कोई ध्यान देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो उम्मीदें उन्होंने सरकार से थी, जो उम्मीदें उन्होंने प्रशासन से थी, जो संस्था से थी, वो उम्मीदें कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही है। झाड़ू से जो सड़क है वो पूरी तरह से खराब हो रही है, लोगों का कहना है कि यहाँ पर इतने सालों बाद सड़क का निर्माण कार्य हुआ था लेकिन उसमें भी ठेकेदार ने यहाँ भ्रष्टाचार किया है और जो पैसा, जो बजट पास हुआ था वो पूरा पैसा यहाँ पर नहीं लगाया गया और पैसे की बंदरबांट की गई है। तो संत कबीर नगर की तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, साफ करने पर रॉ मटेरियल लगातार इकट्ठा हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर, जैसे कि मेरे सहयोगी ने बताया कि कई बार जो दुपहिया वाहन है वो निकलते हैं तो वो भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं संत कबीर नगर के खलीलाबाद से, जहां पर लोग काफी गुस्से में हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सड़क का निर्माण तो हुआ लेकिन सही तरीके से नहीं हुआ है, जो दावे और वादे किए जा रहे हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। जैसे कि जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार ने अपनाई है, उसके बावजूद भी कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो उस पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। गड्ढा मुक्त सड़कें करने का वादा किया गया था जिसको लेकर संत कबीर नगर जिले में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए निरंतर काम भी किए जा रहे हैं, लेकिन योगी सरकार के 5 साल पूरे होने के बाद दूसरे कार्यकाल के तकरीबन 15 महीने बीत चुके हैं, लेकिन संत कबीर नगर में कुछ अधिकारी ऐसे हैं
जो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से हालात बद से बदतर हो रहे हैं। सड़कों के हाल सुधरने के बजाय और खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर पीडब्ल्यू विभाग और ठेकेदार पलीता लगाते हुए नजर आए, जिसकी बानगी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये बानगी है, दो दिन पहले मीडिया से बातचीत करते हुए सदर विधायक अंकुर तिवारी ने बताया था कि यहाँ पर बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जिसका नवीनीकरण होना है, उस पर आवागमन को सुचारू रूप से चलने का दावा भी किया गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि जो बाइक सवार यहाँ से निकल रहे हैं वो हादसे का शिकार हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब वो यहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं तो पूरी सड़क जो है वो इकट्ठा हो रही है। तो सदर विधायक को भी आपने सुना है, जो यहाँ पर समाज सेवी हमारे साथ जुड़े थे उनको भी आपने सुना, राकेश कुमार पांडे एक्सएन है, उनको हम फोन मिला रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या समस्या है, क्यों इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राकेश कुमार पांडे एक्सएन है पीडब्ल्यूडी विभाग से, क्या उनके संज्ञान में पूरा मामला है या नहीं है ये हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि घटिया सामग्री का आरोप यहाँ लगाया जा रहा है कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सड़क है वो पूरी तरह से खराब हो गई है और फोन नहीं उठा रहे हैं। राकेश कुमार पांडे एक्सएन है, मेरे सहयोगी आलम एक बार फिर मेरे साथ जुड़ गए हैं। आलम, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी आलम, हम एक्सएन साहब को भी फोन मिला रहे हैं पीडब्ल्यू विभाग के, लेकिन वो फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्या आपकी बात हो पाई है? आप पहुंचे ग्राउंड जीरो पर, क्या आपने बात की? ग्राउंड जीरो में हमने इनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि यार खबरें मत चलाओ, मैं इस खबर को, इस तुम्हारी खबर को मैं संज्ञान में लेता हूँ, मैं देखता हूँ। लेकिन देखने का क्या मामला था कि उसके बाद से लेकर हम इनसे वर्जन लेने के लिए भी पहुंचे थे, लेकिन इन्होंने जो है वर्जन देने से मना कर दिया और सिर्फ खाना पूर्ति करते हुए जो है इन्हें थोड़ी देर पहले भी बताया गया था कि आप चैनल पर आपको फोनों पे लिया जाएगा, लेकिन लगता है कि महोदय की पोल खुलती हुई नजर आई, इसी वजह से इन्होंने जो है फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। यानी कि पीडब्ल्यूडी विभाग को पता है कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है और सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त अब हो गई है बनने के बाद भी, लेकिन कोई सामने आना नहीं चाहता है, कोई अपनी जवाबदेही तय नहीं करना चाहता, ये कहा जा सकता है आलम? जी, अभी कुछ दिन पहले सदर विधायक ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार की जो 9 साल की उपलब्धि थी उसको गिनाया था उन्होंने और अपने 15 महीने के कार्यकाल को भी गिनाया था। उन्होंने बड़े रुतबे से ये कहा था कि हमारी सरकार जो है अगर 100 रुपए जनता के विकास के लिए भेजती है तो सीधा वो 100 रुपए जनता के विकास के लिए जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो गई कि मान लीजिए सरकार अगर 100 रुपए जनता के विकास के लिए भेजती है तो वो 100 रुपए कहाँ खर्च हो रहे हैं और किस तरह से खर्च हो रहा है, सदर विधायक की भी जिम्मेदारी बनती है और जो यहाँ के आला अधिकारी हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जब इस तरह से लोग फोन नहीं उठाएंगे और उनके मामले की पूरी जानकारी दी जाएगी तो मुझे तो नहीं लगता कि अगर सरकार के जो 100 रुपए आते हैं जनता के विकास के लिए वो 100 पूरे उनके ऊपर खर्च होते हैं। कहीं ना कहीं इस तरह से बंदरबांट उस पर होते हैं कि लोग जो है अपनी अपनी जेबें भर लेते हैं और जनता के बीच जो सड़कें बनती हैं उसकी सामने तस्वीर है वो बयां करती है कि वो इसी तरह की सड़कें बनेंगी जैसे पहली बारिश में ही वो उखड़कर अपनी पुनः वाली स्थिति में वापस आ जाएंगी। बिल्कुल आलम, इसके अलावा देखिए कुछ समाज सेवी है उनसे भी मेरी बातचीत हुई है। समाज सेवियों का साफ तौर पर कहना है कि कार्यदायी संस्था की जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ से जो विधायक है खलीलाबाद से वो बेहतरीन काम कर रहे हैं और लगातार आवाज उठा रहे हैं, शिकायतें भी कर रहे हैं, लेकिन कार्यदायी संस्था इस पर कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। जी, बेहतर काम तो कर ही रहे हैं, उन्होंने जो है तमाम सड़कें स्वीकृत कराई है यहाँ पर जिले में और काफी का निर्माण का रोल है। जो कार्यदायी संस्था है वो कहीं ना कहीं जो विभागीय जो मठाधीश है उनसे मिलकर सड़कों की इस स्थिति में लाने का पूरा जिम्मा उन्हीं लोगों के ऊपर है। अगर उन लोगों से बात किया जाए तो थोड़ा सा रसूख दिखाते हैं, रसूखदार नेताओं का हवाला देते हैं कि हम इनके आदमी हैं, हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सत्ता की जो मंशा है उस पर ये लोग पलीता लगाते नजर आ रहे हैं और इसमें जो है बिल्कुल। संदीप कुमार है जिलाधिकारी, क्या मेरी बात डीएम साहब से हो रही है? हेलो, क्या मेरी बात जिलाधिकारी साहब से हो रही है? मैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया से बात कर रही हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं? न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है।
मैं चाहूंगी कि दोबारा इनको फोन मिलाया जाए क्योंकि मेरी आवाज इन तक नहीं पहुंच पा रही है। आलम, हम जिलाधिकारी साहब को भी फोन कर रहे हैं, उन्होंने फोन उठाया, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन हम दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या समस्या है, क्या वजह है, क्यों इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? पीडब्ल्यूडी विभाग जो कार्यदायी संस्था है वो क्यों इस पर एक्शन नहीं ले रही है, क्यों पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है? क्या वाकई कोई बंदरबांट है? दोबारा से फोन कर रहे हैं जिलाधिकारी साहब को, डायल किया गया नंबर अभी फोन काट दिया गया है। आलम, फोन काट दिया गया, दोबारा फोन मिलाया गया तो फोन काट दिया गया। जी, व्यवस्थाएं यही है संत कबीर नगर की कि अगर किसी बारे में आला अधिकारियों से बात की जाए तो सबसे आसान तरीका कि फोन को उठाया ना जाए, और जो नंबर हमने आपको दिया था वो नंबर इनका पर्सनल है महोदय का। इसके पहले जो है सीओजी नंबर पर जो बात की गई थी खबर में, और हमने जो नंबर को पैच कराया था उस सीओजी नंबर में कोई डीएम बनकर बोल रहा था, तो मैंने इनसे पर्सनल नंबर लिया था कि कम से कम जनता की जो समस्या है वो डीएम साहब हमारे चैनल के माध्यम से कम सुने और लोगों को ये समझ में आए कि हमारे डीएम साहब किस तरह से काम कर रहे हैं, कैसा एक्शन ले रहे हैं। लेकिन उनका भी नजरिया इसी तरह का है कि फोन जाएगा और काट दिया जाएगा सामने सीधी। लेकिन आलम, अगर देखा जाए तो जो संत कबीर नगर है या संत कबीर नगर के जो खलीलाबाद है वो गोरखपुर से बेहद करीब है, बिल्कुल टच है। अगर यहाँ ये हालात है तो दूसरे जिलों में क्या हालात होंगे? जी बताया जा, जैसे कि ये संत कबीर नगर जो है वो बिल्कुल गोरखपुर, जहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी का जो मठ है और गोरखनाथ से बस महज 30 किलोमीटर की दूरी पर, और उनका आना जाना लगा रहता है। लेकिन जो स्थिति यहाँ पर है बंद से बदतर स्थिति हमारे जिले की है। यहाँ पर जितने भी अधिकारी आते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, उन्हें समय से पहले यहाँ से रफा दफा कर दिया जाता है, और जो ऐसे अधिकारी होते हैं कि जो काम करना क्या होगा, काम से उनके दूर दूर तक नाता नहीं होता, वो संत कबीर नगर में मठाधीशी करते हैं, और उसका नतीजा यही है कि जिले की जो सड़कें हैं वो बिल्कुल गड्ढा मुक्त होने के बजाय गड्ढा युक्त होती जा रही है, और जो नवीनीकरण में जो सड़कें बनाई जाती है वो इस तरह से झाड़ू मारने से भी उखड़ जाती है। और इस पर सबसे बड़ी मजे की बात है कि इस पर कोई अधिकारी एक्शन भी नहीं लेता है। क्या ये जो वीडियो सामने आए हैं आलम, क्या ये वीडियो उन अधिकारियों तक नहीं पहुंचे हैं? इस वीडियो के बारे में सारे लोगों को संज्ञान में लिया गया, मैंने एक्सीएन से बात की थी, हमने कहा कि सर इस पर आपका एक वर्जन चाहिए, उन्होंने मना कर दिया कि यार क्या चलाओगे मैं देख लेता हूँ, लेकिन फिर स्थिति वैसे ही की वैसे ही पड़ी हुई है। इस पर विधायक जी को भी सूचना दी गई थी, यानी मीडिया मीडिया के सामने, मीडिया के कैमरे के सामने आप ये कहते हैं कि हम इस पर एक्शन लेंगे, लेकिन जब मीडिया का कैमरा ऑफ होता है तो आप कोई भी एक्शन इस पर नहीं लेते हैं, यानी कि सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ ये किया जा रहा है कि मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, ना तो ग्रामीण कुछ कहेंगे ना ही कोई और कुछ कहेगा। नहीं, ग्रामीणों का तो रोष है इसमें, इस सड़क को लेकर 1 किलोमीटर की सड़क है, इसके पहले जो है अगर 1 महीने पहले की अगर देखी जाए बात तो वो सड़क जो है सड़क कम और गड्ढा ज्यादा नजर आती थी, बड़ी मुश्किल से लोगों ने इधर उधर लोगों से कहकर ये 1 किलोमीटर की सड़क जो है विधायक जी के पहल से इसको स्वीकृत कराई, लेकिन इस पर भी जो है ये जो घटिया मटेरियल निर्माण कराकर जो इस पर बंदरबांट कर लिया गया, और ये कहीं ना कहीं जो कमीशन खोरी की जो भेंट चढ़ी है सड़क, फिर लोगों को जो है ये मुख्य मार्ग है, लोगों को इस मुख्य मार्ग से आने जाने में फिर बारिश आते ही बाधा उत्पन्न हो जाएगी, बिल्कुल ये कहा जा सकता है। आप भी इस पूरी खबर पर नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार आलम आपसे लेते रहेंगे। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं संत कबीर नगर के खलीलाबाद की, जहां पर बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जिनका निर्माण हुआ था, नवीनीकरण हुआ था, लेकिन इसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है, जिस तरह के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। ना तो इस पर पीडब्ल्यू विभाग जो कि कार्यदायी संस्था है वो कुछ कहने के लिए तैयार है, जिलाधिकारी साहब को भी हमने फोन करने की कोशिश की, ना ही वो कुछ कहने के लिए तैयार है। वहीं ग्रामीणों का सीधे तौर पर आरोप है कि एक तो इतने सालों बाद उनके दरवाजे तक सड़क आई है, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। आलम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें हमने संत कबीर नगर की दिखाई है, जहां पर हालात बदतर है, सड़कों का नवीनीकरण होना चाहिए, जो पैचवर्क है वो कंप्लीट होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार अपनाती है, लेकिन प्रशासन लगातार पलीता लगाता नजर आता है। अब इस खबर चलने के बाद क्या कुछ एक्शन लिया जाता है देखना होगा। फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।